Now next one, again another C program based on string operations. In this case, I will discuss how to remove all beginning white space from a given string. Suppose that if you have some original string available, say string, you have to beginning or heading or leading spaces to remove. इस जनरली क्या रहता है अगर आपके पास कोई ईमेल एप्लीकेशन और ईमेल लॉगिन फॉर्म में क्या रहता है जब भी कोई पर्सन यूजर नेम और पासवर्ड इंफॉर्मेशन एंटर करता है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट बॉक्स तो कई बार आपने देखा होगा टेक्स्ट बॉक्स के केस में आप लोग क्या करते हो टेक्स्ट बॉक्स में जब भी आप यूजर नेम या पासवर्ड इंफॉर्मेशन एंटर करते हो उससे पहले यूजर नेम से पहले कई बार स्पेसेस एंटर कर दिए स्पेस 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 देन आपने एंटर किया सम यूजर नेम्स देन अगेन स्पेस 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 आपके अकॉर्डिंग देखा जाए सपोज दैट अगर आपका वैलिड यूजर नेम क्या है ओनली एबीसी लेकिन आपने डायरेक्टली एबीसी एंटर न करके एंटर क्या करा है स्पेस स्पेस एबीसी एंड अगेन मोर स्पेसेस इस पर्टिकुलर केस में जैसे इस केस में लॉगिन बटन पर या सबमिट बटन पर क्लिक करोगे यानी यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स का डेटा सेंड किस लिए हुआ सम डेटाबेस तो डेटाबेस के केस में कोई पर्टिकुलर टेबल होगा इस टेबल के अंदर फील्ड क्या हुआ सम यूजर नेम और सम अदर कॉलम्स लाइक दैट तो ये पर्टिकुलर वैल्यू मैच किससे करा हुए यूजर नेम से डेटाबेस के अंदर एग्जैक्टली यूजर नेम क्या स्टोर है एबीसी मीन्स इस पर्टिकुलर पर्सन और यूजर के अकॉर्डिंग इसका यूजर नेम कैसा है वैलिड लेकिन अगर टेक्निकली बात करें टेक्निकली एंटर्ड यूजर नेम एग्जैक्टली डेटाबेस डेटा से मैच हो रहा है क्या नहीं क्योंकि इस केस में मैचिंग के केस में एबीसी मैच होने के साथ साथ मैच क्या होंगे ऑल्सो दीज वाइट स्पेसिस इस वाइट स्पेस ओरिजिनल डेटा में या ओरिजिनल डेटाबेस में कहीं वाइट स्पेस फाउंड हो रहा है क्या नहीं तो इस केस में पर्टिकुलर मैसेज क्या मिलेगा फेल्ड टू लॉगिन और इनवैलिड क्रेडेंशियल जबकि इस पर्सन के थ्रू क्रेडेंशियल इन्फॉर्मेशन एबीसी कैसा है वैलिड इस पर्टिकुलर केस में अगर बिगिनिंग में कोई स्पेस प्रोवाइड किया है जस्ट मैं क्या चाहता हूँ इस केस में कंपेरिजन डायरेक्टली यूजर डेटा डायरेक्टली डेटाबेस से कंपेयर हो गए सबसे पहले इस डेटा के केस में आप रिड्यूस क्या कराओ मिस इसने एंटर क्या किया था ओरिजिनल डेटा क्या स्पेस स्पेस एबीसी अभी जस्ट मैं हेडिंग और लीडिंग स्पेसेस की बात करूँ नेक्स्ट प्रोग्राम में एक्सप्लेन करूंगा हाउ टू रिमूविंग ट्रेलिंग स्पेसेस क्लियर इन दैट केस तो सबसे पहले डायरेक्टली कंपेरिजन न करा के सबसे पहले आप परफॉर्म क्या कराओ रिमूविंग दीज स्पेस मीन स्पेसेस को रिमूव करने के बाद देन ये डेटा सेंड किस लिए करें डेटाबेस के लिए और परफॉर्म क्या कराएं सम कंपेरिजन देन चेक करो इस केस में ऑरिजिनल स्ट्रिंग भी क्या है एबीसी और डेटाबेस के अंदर भी स्ट्रिंग है ऑल्सो एबीसी तो इस केस में क्या आएगा वैलिड क्लियर मीन से टेक्निकल पर्सन को तो पता है कि स्पेसिस में और स्पेसिस का जस्ट टेक्निकली मीनिंग क्या है बेस्ड ऑन कंपैरिजन लेकिन अगर कोई नॉन टेक्निकल पर्सन है नॉन टेक्निकल पर्सन को स्पेस कभी विजिबली नहीं होता इसलिए इसको कैसा समझेगा एज अ मीनिंगलेस जबकि मीनिंगलेस और मीनिंगफुल मीनिंगफुल इसलिए आप मीन जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में वर्क करें तो प्रोजेक्ट लेवल पर इस टाइप के ऑपरेशन रिक्वायर्ड होते हैं हाउ टू रिमूविंग बिगिनिंग स्पेस और एंडिंग और ट्रेलिंग स्पेस लाइक दैट तो करेंटली मैं डिस्कस करूंगा हाउ टू रिमूविंग बिगिनिंग स्पेस तो इस केस में ट्रिम का मीनिंग क्या ट्रिम इज नथिंग बट जस्ट रिमूव ऑपरेशन ट्रिम इज रिमूविंग ऑल बिगिनिंग वाइड स्पेस और हेडिंग वाइड स्पेसेस इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग अवेलेबल है सी प्रोग्राम में बात करें तो सी के अंदर कोई टेक्स्ट बॉक्स नहीं सी के अंदर जस्ट आप कमांड प्रॉम्प्ट से डेटा एंटर करोगे हो सकता है कमांड प्रॉम्प्ट के केसेस में अगर आप कोई कीबोर्ड से डेटा एंटर करो सम यूजर नेम और सी यूजर ने जस्ट एंटर क्या किया स्पेस 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 देन ए बी सी देन एंटर की तो इस केस में जस्ट है इस पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंग इनपुट क्या है ओनली ए बी सी लेकिन टेक्निकली इनपुट क्या है स्पेस स्पेस ए बी सी तो मैं क्या चाहता हूँ जितने भी बिगिनिंग स्पेसेस हैं इन सभी स्पेसेस को रिमूव कराना है तो स्पेसेस को रिमूव कराने के केस में अगेन सेम ऑपरेशन रिक्वायर्ड होंगे सर्च एंड शिफ्ट ऑपरेशन इस केस में जस्ट ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या है ए बी सी जो भी आपके पास गिवन स्ट्रिंग है सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको लॉजिक से एक्सप्लेन कर रहा हूँ देन लॉजिक से एक्सप्लेन करने के जस्ट और फाइनली प्रोवाइड क्या करेंगे सोर्स कोड लॉजिक्स के रिस्पेक्ट में बात करें इस केस में टोटल इनपुट्स कितने रिक्वायर्ड हैं टू इनपुट्स और ओनली वन इनपुट इज सफिशियंट क्लियर लाइक दैट इसे ऑपरेशन भी डेटाबेस ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में काफ़ी यूजफुल केस है कई बार आप यूज करो इस केस में देन इंडेक्स वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन फाइनली इस केस में स्ट्रिंग एंटर किया स्पेस अगेन स्पेस अगेन स्पेस इसके जस्ट बाद कैरेक्टर्स क्या हैं ए बी एंड सी या चाहो तो इस केस में एक और कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर एंटर कर रहा हूँ एज अ something D
like that. Total space में space कितने, only two spaces like that. Index values are given. प्लस array point किसके through रहा है, array A के through, pointer A के through. Just इस केस में logics के respect में बात करें, सबसे पहले आपको means आपका main purpose क्या है, main motive क्या है, इस केस में removing all white space. Means white space remove होने के बाद इस अभी आपके पास एरे कैसा है, ओरिजिनल एरे. जब ऑपरेशंस कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट होने के बाद रिजल्टेंट एरे किस टाइप का हुआ, इस एरे लुक्स लाइक गेन फॉर्म. इस पर्टिकुलर फर्स्ट इंडेक्स में कॉपी क्या हो जाएगा, डी. नेक्स्ट इंडेक्स में कॉपी क्या हो जाएगा, ए. सेम एज बी, सेम एज सी एंड नल. दिस इज द एरे आफ्टर अप्लाइंग ट्रिम ऑपरेशंस. क्लियर. तो ट्रिम ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग इस आपको अगेन परफॉर्म क्या करना, सबसे पहले आपको स्पेसेस के ऑक्रेंस काउंट करने होंगे. मीन स्पेस टोटली कितनी बार ऑक्र हुआ, रीजन चेक कर सकते हो. इसके इसमें स्पेस कितनी बार ऑक्र हुए, काउंटिंग वैल्यू क्या स्पेसेस का, जस्ट टू. तो सबसे पहले स्पेसेस को काउंट कराएंगे, स्पेस टू है. स्पेस को काउंट करने का पर्पज क्या है, जस्ट डी जब शिफ्ट हुआ तो डी, डी का एग्जिस्टिंग पोजिशन क्या था, मीन टोटल कैरेक्टर्स क्या है, डी ए बी सी. डी के केस में बात करें तो डी का एग्जिस्टिंग इंडेक्स क्या है, जस्ट टू. लेकिन शिफ्ट होने के बाद डी का इंडेक्स क्या हो चुका है, जीरो. डी किस प्लेस पर अवेलेबल है, जीरो इंडेक्स में. क्लियर. आफ्टर शिफ्टिंग सेम एज ए, ए के रिस्पेक्ट में ए का एग्जिस्टिंग इंडेक्स क्या है, थ्री. शिफ्टिंग के बाद ए का इंडेक्स क्या है, वन. सेम एज बी, बी के रिस्पेक्ट में एग्जिस्टिंग इंडेक्स क्या है, फोर. एंड शिफ्टिंग के बाद इसका इंडेक्स क्या है, टू. सेम एज सी, सी के केस में एग्जिस्टिंग इंडेक्स क्या है, फाइव. और शिफ्टिंग के बाद सी का इंडेक्स क्या फाउंड हो रहा है, जस्ट थ्री. नल, नल के केस में नल का एग्जिस्टिंग इंडेक्स क्या है, इसे शिफ्टिंग कब तक हो, अप टू नल. एग्जिस्टिंग इंडेक्स क्या है नल का, सिक्स. शिफ्टिंग के बाद इसका न्यू इंडेक्स क्या है, फोर. क्लियर. इस स्टाइल से फाइनली आपको मैच क्या करना, इसे आप चेक कर सकते हो. जितने भी कैरेक्टर शिफ्ट हुए, टू माइनस जीरो इज डिफरेंस कितना, इसके इसमें टू. थ्री माइनस वन इज डिफरेंस कितना है, टू. ये सभी केसेस में कितने पोजीशंस का डिफरेंस है, टू का. तो टू इज नथिंग बट नंबर ऑफ स्पेस. इसके इसमें वाइट स्पेस भी कितने थे, टू वाइट स्पेस. इसलिए पोजीशन भी कितने शिफ्ट हुए, थ्री टू से. अगर इस केस में बिगिनिंग में थ्री स्पेस होते देन काउंटिंग क्या होता है, इस केस में थ्री. देन डिफरेंस भी कितने, पोजीशन में भी कितने पोजीशन का डिफरेंस क्रिएट होता है, जस्ट थ्री. क्लियर. जैसे कितने पोजीशन शिफ्ट कराना है डिपेंड करेगा व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑक्रेंस ऑफ वाइट स्पेस. सपोज दैट कोई वाइट स्पेस आपने एंटर ही नहीं किया, उसके इसमें काउंटर का वैल्यू क्या रहेगा, जीरो. जीरो होने के केस में आपको कोई भी शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म कराने की नीड ही नहीं है. तो सबसे पहले इस लॉजिक को इंप्लीमेंट करने के रिस्पेक्ट में जस्ट फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ. फंक्शन के अंदर लॉजिक टू स्टेप्स में कंप्लीट करें. फर्स्ट स्टेप में सर काउंट क्या करेंगे, ऑल बिगिनिंग ऑक्रेंसिस ऑफ स्पेसिस. वन मोर थिंग, हो सकता है स्पेस मिडिल में अवेलेबल हो या एंड में अवेलेबल हो. इस आपको ओनली बिगिनिंग स्पेस रिमूव कराना, ना कि मिडिल स्पेस और लास्ट स्पेस. क्लियर. इसे ऑपरेशंस ओनली किसके लिए अप्लाई होंगे, ओनली फॉर मिडिल स्पेस, सॉरी बिगिनिंग स्पेसेस, नॉट फॉर अदर प्लेसेस. मीन्स अदर प्लेस आपको चेक करने की जरूरत नहीं, मीन्स स्पेस है या नहीं है डजंट मैटर, क्योंकि आपको जस्ट क्लियरली बोला गया रिमूविंग ऑल लीडिंग स्पेसेस. तो इसके सबसे पहले फंक्शन से रिटर्न क्या कराएंगे, सेम स्ट्रिंग. इसलिए मैं फंक्शन का रिटर्न टाइप यूज कर रहा हूँ, मेरा कैर स्टार. देन फंक्शन नेम एज ट्रिम. फंक्शन का नेम क्या यूज कर रहा हूँ मैं, जस्ट फंक्शन नेम एज ट्रिम. इसके इसमें ओनली सिंगल इनपुट रिक्वायर्ड हुआ. इनपुट कितने रिक्वायर्ड, ओनली वन इनपुट. इसलिए यूज क्या करें, कैर स्टार जस्ट ई. नेक्स्ट वन, इसके इसमें टू वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे. एक वेरिएबल सिंगल वेरिएबल क्रिएट करेंगे आई फॉर मैनेजिंग इंडेक्स, अदर वेरिएबल यूज करेंगे सी फॉर स्टोरिंग काउंटिंग वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ स्पेसेस और हेडिंग स्पेसेस. इसके इसमें टू वेरिएबल डिक्लेरेशंस प्रोवाइड करें, इंटीजर आई कॉमा सी. सी क्या है इसके इसमें आ काउंटर. देन सबसे पहले परफॉर्म क्या कराएंगे, काउंटिंग नंबर ऑफ स्पेसेस. स्पेसेस को काउंट करने के रिस्पेक्ट में जस्ट मैं सोर्स कोड प्रोवाइड करने के साथ साथ सोर्स कोड गिविन लॉजिक्स के लिए, गिविन डायग्राम के लिए जस्ट अप्लाई भी करूँगा. क्लियर. फिर से बोल रहा हूँ, मिडिल में कोई स्पेस है या लास्ट में कोई स्पेस है डजंट मैटर. आपको स्पेस ओनली कौन से रिमूव कराना है, ओनली बिगिनिंग स्पेसेस बिकॉज ऑफ रिक्वायरमेंट्स. फर्स्ट केस क्या है, रिमूव काउंटिंग ऑल स्पेसेस. तो काउंटिंग ऑल स्पेसेस के केस में इन एलिमेंट्स को मैं कंसीडर करूंगा एज अ ए ऑफ आई. तो आई का वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या हुआ, जीरो. मीन्स ए ऑफ आई का वैल्यू एवरी टाइम बिगिनिंग प्लेस से आई के थ्रू इस एरे के एलिमेंट को कब तक विजिट करोगे, जब तक नॉट स्पेस नहीं मिल जाता. मीन जब तक स्पेस फाउंड हो रहा है तब तक ये लूप कंटिन्यू रखना, जैसे ही स्पेस नहीं मिलता देन उसके इसमें स्टॉप करना. तो उसके इसमें जस्ट लूप इटरेट कराएंगे. लूप के केस में फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, जीरो. आई इक्वल्स टू जीरो. लूप कब तक चलाना है, जब तक
a of i स्पेस के इक्वल है, यहाँ स्पेस मैंने किया ना कि नल स्पेस लिया रखना, देन एवरी टाइम इंक्रीमेंट कितने से करा हुए वन से, चेक करो इस केस में, वन मोर केस, इस केस में आई यूज ना करके आई के प्लेस पर मैं कंसीडर करूँ एज अ काउंटर वेरिएबल सी, क्यों दोनों का मीनिंग सेम है कि काउंटर भी मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ जस्ट जीरो से, क्योंकि मुझे काउंट में से आई इटसेल्फ क्या है काउंटिंग, और काउंटिंग किसके थ्रू मैनेज करें सी के थ्रू, चेक करो लूप किस टाइप से इटरेट हो रहा है, इसके इसमें टोटल वेरिएबल्स कितने टू आई एंड जे, सॉरी आई एंड सी, दीज आर टू वेरिएबल्स, सबसे पहले जैसे इस लूप का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा सी में कैसा हो जाएगा वैल्यू है जीरो, देन इस प्लेस पर कंपेरिजन किससे होगा सी का वैल्यू क्या है जीरो, ए ऑफ जीरो इक्वल इक्वल स्पेस, चेक करो ए ऑफ जीरो में एलिमेंट क्या है स्पेस, मीन्स फाइनली स्पेस इक्वल इक्वल स्पेस, कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है देन लूप को बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट, बॉडी कैसा है एम्प्टी, मीन्स कोई लॉजिक्स प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं, जस्ट परफॉर्म किया जाएगा डायरेक्टली सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस परफॉर्म हुआ मीन्स स्पेस का वन ऑकरेंस फाउंड हो चुका है मीन्स दैट वन, नेक्स्ट वन अगेन फिर से सी प्लस प्लस होने के बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा सेम, नेक्स्ट टाइम अगेन कंडीशन टेस्टिंग, तो सी का करंट वैल्यू क्या है वन, नेक्स्ट टाइम सी के प्लेस पर क्या रिप्लेस करेंगे वन, अगेन चेक करो ए ऑफ वन में क्या है ऑल्सो स्पेस, फिर से स्पेस फाउंड हो रहा है, इसलिए अगेन कंपेरिजन किसका हो रहा है स्पेस का स्पेस के साथ, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो फिर से कंट्रोल कहाँ जाएगा मीन्स बॉडी, बॉडी के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा तो सी प्लस प्लस हो जाएगा, सी की फाइनल वैल्यू क्या हो चुकी है अभी टू, टू होने के बाद अगेन कंडीशन टेस्ट होगा और नेक्स्ट टाइम सी के प्लेस पर सी का वैल्यू रिप्लेस करेंगे करंट वैल्यू टू, ए ऑफ टू में क्या फाउंड हो रहा है स्पेस और डी कैरेक्टर डी, तो नेक्स्ट टाइम इस प्लेस पर ए ऑफ टू के प्लेस पर क्या रिप्लेस हुआ डी इक्वल इक्वल स्पेस, इसका मतलब क्या है ये सब जस्ट इस प्लेस पर कहीं भी स्पेस फाउंड हो रहा है क्या, नहीं डी इज नॉट अ स्पेस, मीन्स एक कंडीशन फॉर लूप का कंडीशन कैसा हो चुका है फॉल्स, फॉल्स है तो कंट्रोल कहाँ जाएगा आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप, मीन्स इस लॉजिक के थ्रू जस्ट आपने काउंट क्या किया है ऑकरेंस ऑफ नंबर ऑफ स्पेसेस, क्लियर, टोटल टू स्पेस थे इसलिए काउंटर का भी वैल्यू क्या हो चुका है जस्ट टू, नेक्स्ट थिंग्स काउंटिंग वैल्यू फाउंड होने के जस्ट बाद आपको अप्लाई क्या करना है सिंपली डेटा शिफ्ट ऑपरेशन नथिंग एल्स और रिमूविंग बिगिनिंग स्पेसेस, तो डेटा शिफ्ट ऑपरेशंस के केस में जो फर्स्ट एलिमेंट है मीन्स सबसे पहले शिफ्टिंग किसके लिए हुआ फर्स्ट नॉन स्पेस, फर्स्ट नॉन स्पेस क्या है डी और डी का इंडेक्स क्या है टू जो कि अवेलेबल किस में है वेरिएबल सी के अंदर, मीन्स एलिमेंट शिफ्ट कहाँ हुआ मीन्स जस्ट डायरेक्टली जीरो इंडेक्स में, तो नेक्स्ट टाइम शिफ्टिंग किस प्लेस पर कराओ जीरो इंडेक्स में, वन मोर थिंग्स अभी तो इस केस में स्पेस फाउंड हो रहा हो सकता है कोई स्पेस होता ही नहीं, अगर कोई भी स्पेस नहीं होता तो नहीं कंडीशन फर्स्ट केस में ही फॉल्स होता और फर्स्ट केस में सी का वैल्यू क्या था जीरो, तो इस केस में टेस्ट करो अगर सी का वैल्यू जीरो फाउंड हो रहा है देन आपको कोई भी शिफ्ट ऑपरेशन अप्लाई करने की नीड नहीं है, तो इस केस में शिफ्ट कराने से जस्ट पहले आप टेस्ट क्या करोगे इफ कंडीशन इफ सी नॉट इक्वल टू जीरो और सिंपली राइट डाउन क्या कर सकते हो लाइक दैट इफ सी अगर सी का वैल्यू जीरो देन कंडीशन ऑलवेज कैसा होगा फॉल्स और सी का वैल्यू नॉन जीरो देन कंडीशन ऑटोमेटिकली कैसा होगा ट्रू, तो आप सिंपली सी भी राइट कर सकते हो सी इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू जीरो भी राइट कर सकते हो, दोनों के मीनिंग कैसे हैं सेम, सी का वैल्यू अगर जीरो होगा देन कंडीशन फॉल्स होगा नॉन जीरो होगा देन कंडीशन ट्रू होगा, अगर कंडीशन ट्रू है देन इसका मतलब कि आपको शिफ्ट ऑपरेशन से अप्लाई करने की नीड है, करंटली सी का वैल्यू क्या है टू इफ में क्या पास होगा टू, टू मीन्स नॉन जीरो, नॉन जीरो मीन्स कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है देन आपको शिफ्टिंग अप्लाई करना, तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट किस इंडेक्स में कॉपी होगा जीरो इंडेक्स में, तो शिफ्टिंग करने के लिए ऐसा तो कोई सिक्योरिटी है नहीं कि आपको सिंगल एलिमेंट शिफ्ट कराना है टू एलिमेंट शिफ्ट कराना है थ्री एलिमेंट शिफ्ट कराना है, शिफ्ट कब तक कराना है अप टू नल, तो इस केस में अगेन मैनेज क्या करेंगे वन मोर लूप फोर लूप मीन्स फर्स्ट टाइम फर्स्ट एलिमेंट किस इंडेक्स में कॉपी हुआ इंडेक्स जीरो, तो इसलिए आई का इनिशियलाइज में किससे स्टार्ट करना है जीरो से, क्लियर, नेक्स्ट वन शिफ्टिंग के केस में बात करें फर्स्ट एलिमेंट चेक कर सकते हो कॉपी कहाँ हो रहा है ए ऑफ जीरो में, कौन सा एलिमेंट कॉपी हो रहा है ए ऑफ टू, सिमिलरली ए ऑफ वन नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ कॉपी हुआ ए ऑफ वन में क्या कॉपी हुआ ए ऑफ थ्री, ए ऑफ थ्री कहाँ कॉपी हो जाएगा ए ऑफ थ्री, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट बी कहाँ कॉपी हो जाएगा सेकेंड इंडेक्स में मीन्स ए ऑफ टू इक्वल्स टू ए ऑफ फोर लाइक दैट, इस केस में टू जीरो प्लस टू इसको राइट डाउन कैसे कर सकते हैं लाइक दैट जीरो प्लस टू से हमें थ्री को क्या राइट कर सकते हो वन प्लस टू
एंड 4 को क्या राइट कर सकते हैं 2 प्लस 2 रीजन कि इस केस में 0 एग्जैक्टली 0 से मैच हो रहा है 1 1 से मैच हो रहा है 2 2 से मैच हो रहा है लाइक दैट तो यहां इस पर्टिकुलर केस मैनेज किसके थ्रू करें आई के थ्रू तो स्पेस पर क्या आ जाएगा एग्जैक्टली आई प्लस 2 क्या है 2 इज नथिंग बट काउंटर वैल्यू सी इस फाइनली राइट डाउन क्या करें एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा दैट वन a of i equals to a of i plus काउंटर इस यहां i का इनिशियल वैल्यू क्या है 0 चेक कर सकते हो i का इनिशियल वैल्यू क्या है अकॉर्डिंग टू लूप लूप के केस में i में क्या आसान हो जाएगा 0 0 इंडेक्स में कौन सा एलिमेंट कॉपी होगा मींस डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ काउंटर काउंटर का वैल्यू 2 इसलिए सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी कराना इसलिए मैंने स्पेस में i का फर्स्ट टाइम वैल्यू 0 था 0 प्लस काउंटर क्या हो जाएगा आल्सो काउंटर इसलिए कॉपी क्या हुआ काउंटर एलिमेंट इस केस में जस्ट प्रोवाइड क्या करें a ऑफ i इक्वल्स टू a ऑफ i प्लस काउंटर मींस आपके लिए शिफ्टिंग ऑपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट केस है नेक्स्ट वन एवरी टाइम इंडेक्सेस में कितने का डिफरेंस होगा 1 का परफॉर्म क्या कराएंगे i प्लस प्लस वन मोर थिंग देन अगेन इट टर्मिनेट किससे होगा सेमी कॉलन से मींस अगेन डमी लूप आपके लिए काफी यूजफुल है देन जब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा कंट्रोल कराएंगे आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप एंड आउटसाइड बॉडी ऑफ इफ रिटर्न क्या कराओगे ओरिजिनल स्ट्रिंग ए क्लोजिंग दिस फंक्शन मींस मान लीजिए ट्रिम ऑपरेशंस कंप्लीट हो चुके हैं अगर मैं डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूं अगेन मींस जस्ट अभी तक मैंने एग्जीक्यूशन किसका कराया था दैट टू इस लूप के जस्ट बाद कंडीशन टेस्ट होगा तो कंडीशन में सी के प्लेस पर क्या पास होगा सी का वैल्यू क्या 2 2 मींस कंडीशन इज 2 नेक्स्ट टाइम फॉर लूप एग्जीक्यूट तो 4 के अकॉर्डिंग आई में क्या आसान हो जाएगा 0 नेक्स्ट टाइम a ऑफ 0 इक्वल्स टू a ऑफ i के प्लेस पर क्या आएगा 0 और c के प्लेस पर c का वैल्यू 2 a ऑफ 2 a ऑफ 2 में करंटली क्या फाउंड हो रहा है d a ऑफ 2 में क्या है d ये d जस्ट कॉपी किस प्लेस पर होगा इनसाइड a ऑफ 0 मींस a ऑफ 0 में आसान क्या हो जाएगा कैरेक्टर d देखा जाए तो सारे केस क्या हैं कैरेक्टर्स लाइक दैट d कॉपी हो चुका है देन आपको कॉपी क्या करना है रिमेनिंग कैरेक्टर a b c d कॉपी होने के जस्ट बाद देन कंडीशन के प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ या मींस ये पार्ट क्या कंडीशनल सेशन फॉर फॉर लूप तो फॉर लूप के अंदर पहले असाइनमेंट होगा असाइनमेंट के बाद कंडीशन के प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ करंट वैल्यू ऑफ a ऑफ 0 और a ऑफ 0 में क्या फाउंड हो रहा है कैरेक्टर d d का आस्क वैल्यू क्या होगा 0 या नॉन जीरो नॉन जीरो मींस कंडीशन इज ट्रू कंडीशन ट्रू देन i प्लस प्लस होगा तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में i बिकम्स 1 नेक्स्ट टाइम अगेन क्या परफॉर्म हुआ पहले असाइनमेंट होगा देन कंडीशन टेस्टिंग कंडीशन के प्लेस पर रिप्लेस क्या करें सिंपली करंट वैल्यू ऑफ ए ऑफ आई चेक इट अगेन आई के प्लेस पर रिप्लेस करें करंट वैल्यू ऑफ आई आई का वैल्यू क्या है 1 ए ऑफ 1 इक्वल्स टू आई के प्लेस पर क्या है 1 प्लस सी सी का वैल्यू क्या 2 मींस ए ऑफ 3 और ए ऑफ 3 में क्या फाउंड हो रहा है कैरेक्टर ए डी ऑलरेडी कॉपी हो चुका नेक्स्ट टाइम ए ऑफ 3 में क्या ए तो ए का कॉपी हो जाएगा ए ऑफ 1 में क्योंकि किस इंडेक्स में साइन कर 1 इंडेक्स तो इस प्लेस पर क्या आ जस्ट कैरेक्टर ए मींस डी भी कॉपी हो चुका है ए भी कॉपी हो चुका है क्लियर नेक्स्ट टाइम अगेन इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ आस्क की वैल्यू ऑफ ए और ये अगेन क्या नॉन जीरो कंडीशन इज ट्रू अगेन आई प्लस प्लस आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 तो नेक्स्ट टाइम अगेन आई के प्लेस पर क्या आएगा 2 एंड 2 आई के प्लेस पर अगेन 2 और सी के प्लेस पर 2 2 प्लस 2 इज 4 तो फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट क्या है बी तो ये कॉपी कहाँ हो जाएगा a of 2 में a of 2 मींस एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या था d और d हम ऑलरेडी कॉपी कर चुके हैं इसलिए d किससे रिप्लेस करा सकते हैं a से क्लियर सॉरी d किससे रिप्लेस हो रहा है b से तो इस प्लेस पर क्या जाएगा जस्ट कैरेक्टर b के में अभी कॉपी किसके लिए हो रहा है a of 4 4 क्या है b नेक्स्ट वन अगेन आई प्लस प्लस इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा बी बी मीन्स फॉर लूप का कंडीशन अभी भी ट्रू आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 नेक्स्ट टाइम थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट सॉरी एलिमेंट कॉपी किस इंडेक्स में होगा थर्ड इंडेक्स में लेकिन 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5 5 में क्या स्टोर है सी तो इस प्लेस पर क्या रिप्लेस हो जाएगा जस्ट कैरेक्टर सी नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 आई की वैल्यू 4 इन होने पर जस्ट कंडीशन में क्या रिप्लेस करेंगे ए ऑफ 4 में आसान क्या करेंगे a ऑफ 4 प्लस 2 4 प्लस 2 इज 6 तो a ऑफ 6 में क्या जस्ट नल तो ये नल कहाँ कॉपी होगा फोर्थ इंडेक्स में जस्ट कैरेक्टर क्या कॉपी हो जाएगा नल क्लियर और नल से पहले सारे के सारे एलिमेंट फाउंड हो रहे हैं एक्सेप्टिंग हेडिंग और
leading spaces. Clear? This is the original string. Means आपको इस पे beginning space found हो रहा है क्या? नहीं. Next one. A of 4 का value क्या? Null. तो condition में A of 4 के place पर supply क्या हो? Null. Null means 0. 0 means condition becomes false. जैसे for loop पर condition false होगा, control कहाँ जाएगा? Outside body of loop and outside body of if. If के बाद send क्या? Return क्या हो जाएगा? A. और A में क्या है? इसे array का beginning address. Clear? Then test करने के लिए just use कर सकते main function. Void main. Again same case, test करने के लिए simply character array declare करेंगे with the maximum required size. Then inputs को read करने के लिए use क्या कर लेंगे? Gets function, gets a. Then just to beginning spaces को trim कराना, तो आप display क्या करा सकते हो इस केस में? Puts. मीन्स सबसे पहले मैं original string display करा रहा हूँ, इसके जस्ट बाद में कॉल क्या कर रहा हूँ? Trim function. ट्रिम फंक्शन के अंदर सप्लाई क्या किया? ए. तो ये क्या, अगर आपने बिगिनिंग में कोई भी स्पेस एंटर किया है तो फर्स्ट टाइम तो स्पेस प्रिंट होगा, लेकिन ट्रिम फंक्शन को कॉल करने के बाद आपके पास कोई भी स्पेस डिस्प्ले नहीं हुआ. क्लियर? देन इसके साथ टेस्ट कर सकते हैं इनपुट्स. इनपुट्स में फर्स्ट टाइम कीवर्ड से एंटर करना है स्पेस स्पेस स्पेस, देन सम स्ट्रिंग लाइक ए बी सी डी लाइक दैट. देन आप जब फर्स्ट टाइम डिस्प्ले कराओ तो फर्स्ट टाइम आउटपुट क्या प्रिंट होगा इस केस में? स्पेस 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 ए बी सी. सेम एज नेक्स्ट टाइम ट्रिम फंक्शन की कॉल होने के बाद अगेन इनपुट्स कॉल होगा, तो नेक्स्ट टाइम ओनली क्या प्रिंट होगा? ओनली ए बी सी. मीन्स ए बी सी एक्सेप्टिंग दीज वाइड स्पेसिस. नेक्स्ट केस में जस्ट मैं डिस्कस करूंगा हाउ टू अप्लाइंग ट्रेलिंग ट्रिम ऑपरेशन. मीन्स अगर आप स्ट्रिंग के अंदर एंड पोजिशन में कोई भी स्पेस फाउंड होता है, स्पेसिस को रिमूव कराना, देन अगेन सेम ऑपरेशन में कंटिन्यू करूंगा.